साइफर ओएस का ऑफिशियल एंड्रॉयड 12L बिल्ड आ गया है। पिछले में ही 12L हुआ था। फिलहाल इसका जो वर्ज़न हमें मिलता है वो है 3.2। एक्सोडस का कोड नेम मिल जाता है इस रोम का पोको F1 के लिए। तो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि पिछले जो 3.0 इसका बिल्ड था वर्ज़न, उसके मुकाबले इस 3.2 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे साइफर ओएस का एक्सोडस 3.2 मिल जाता है, ऑफिशियल अपडेट है, एंड्रॉयड वर्जन 12L देखने को मिल जाता है, सिक्योरिटी पेज भी अपडेट कर दिया गया है, मार्च से अप्रैल 2022 हो चुका है, और कर्नल यहाँ पे पहले ब्लैकआउट वाला देखने को मिलता था लेकिन अभी हमें जो है सिल्वर कोर का 10.10 मिल जाता है, और जो सेलिनक्स है इन्फोर्सिंग मिलता है जैसे कि पहले देखने को मिल जाता था। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं नेटवर्क इंटरनेट में तो यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे काम कर अच्छे तरीके से, और जो कनेक्टेड डिवाइस के अंदर हमारा कास्ट है ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ऐप्स के अंदर में यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले लॉन्चर जो है क्विक स्टेप का मिलता था लेकिन अभी जो है पिक्सल लॉन्चर को ऐड कर दिया गया इसके अंदर में, और वैसे जो असिस्टेंट है पहले की तरह ही वर्किंग है, यानी कि ओके गूगल आपका काम कर रहा है पहले की तरह। बैटरी के अंदर में यहाँ पे भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। बैटरी की जो सेटिंग्स मिलती है, बैटरी आइकन स्टाइल हो या बाकी के ऑप्शन हो, वो पूरे आपके सेम रहने वाले, यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज नहीं मिलता। लेकिन बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 73% बैटरी मिली है जबकि पिछले में 74 थी, यानी बैटरी आपकी पिछले अपडेट जैसी सिमिलर सी देखने को मिल जाएगी। और अब चलते हैं डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर में हमें जो है नाउ प्लेइंग ऐड किया गया, नाउ प्लेइंग देखने को अब जो है यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी कोई चेंज आपको नहीं मिलने वाला यहाँ पे। उसी तरीके से नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आप डार्क थीम में उसे जाओगे तो डार्क थीम का भी प्रीव्यू देखने को यहाँ पे मिलने वाला है ये। और फिर यहाँ पे अगर आप आते हो तो कलर्स भी उसे सेम रहेगा, अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन जो रोटेशन वाला है, पहले नेम अलग था, अब यहाँ पे यूज़ ऑटो रोटेट ये जो है इस तरीके से नाम से मिल जाता है, तो रोटेशन आप इनेबल यहाँ से कर पाओगे। थोड़ा सा नेम अब चेंज आपको देखने को पहले से मिल जाता है, बाकी तो फिर नीचे आपका यहाँ पे वोल्टी आई का नंबर डिस्प्ले के सेटिंग्स तक तो सेम है, लेकिन जो थीमिंग का सेक्शन है पूरा न्यू है, यानी कि हेडलाइन बॉडी फॉन्ट्स और आइकन पैक ये दोनों ही न्यू मिल जाते हैं जो पिछले में नहीं थे पहले। और साउंड के अंदर चलते हैं तो साउंड के अंदर वैसे आपको यहाँ पे हालांकि लाइव कैप्शन और नाउ प्लेइंग ही मिल जाता है जो कि ऐड हुआ है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। और जो MI साउंड एनहांसर के अंदर न्यू जो है आपको यहाँ पे प्रीसेट्स देखने को लास्ट में ये 5-6 देखने को मिल जाएंगे, तो ये न्यू है। वैसे आप MI साउंड एनहांसर अच्छे से काम कर रहा है। और सिक्योरिटी के अंदर सेटिंग में बिल्कुल भी चेंज नहीं मिलने वाली, सेटिंग्स आपकी पहले वाली है, पिछले अपडेट में जो है आपको बताया था फेस अनलॉक ऐड हुआ है, फिलहाल इसमें ऐसा कुछ भी चेंज आपको नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो पहले प्रॉब्लम थी फिंगरप्रिंट को लेकर के कि फिंगरप्रिंट डिले था, बट ये आप फिक्स हो चुका, आप देख सकते हो यहाँ पे टैप करते बिल्कुल एनिमेशन के साथ अनलॉक हो रहा है, और फेस अनलॉक तो आईयर फेस अनलॉक ही पहले ही मिलता था और अभी भी जो है ये अच्छे से काम कर रहा है, बस फिंगरप्रिंट डिले था तो वो फिक्स हो चुका है यहाँ पे, तो अब हमें फिक्स मिल जाता है। वैसे रोम आपका नॉट इनक्रिप्टेड जैसे कि यहाँ पे मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं चलते हैं ट्रैफिक इंडिकेटर, तो ये काम कर रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और वॉलपेपर के अंदर भी जो वॉलपेपर्स आपको मिलते थे साइफर के, वो ही मिल जाएंगे। वॉलपेपर कलर हो या ग्रिड हो सब पहले जैसे मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन जो मैं वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन स्क्रीन पे होल्ड करोगे तब रीसेंट वॉलपेपर्स भी देखने को मिलेगा जो कि पहले नहीं मिलता था ये चीज़ पहले नहीं मिलता था। रीसेंट 5 वॉलपेपर जो हैं वो नहीं मिलते थे, लेकिन अभी देखने को ये भी मिल रहे हैं। नोटिफिकेशन सेम है, एसेबिलिटी भी सेम मिल जाती है। वहीं सिस्टम की अगर बात करते तो लाइव ट्रांसलेट न्यू मिल जाता है, लाइव ट्रांसलेट पहले यहाँ पे नहीं शो करता था बाय डिफॉल्ट, अब देखने को मिल जाता है। और अगर हम जेस्चर की तरफ चलते हैं तो जेस्चर के अंदर भी बाहर तो सब कुछ सेम है, सिस्टम नेविगेशन में जाते हैं तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं मिलता, और 3-बटन नेविगेशन भी अच्छे से काम कर रहा है, तो इसके अंदर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है। आप जेस्चर या नेविगेशन बटन किसी को भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और 3 फिंगर स्क्रीनशॉट भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है, तो इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिलने वाली। हालांकि यहाँ पे यानी कि जेस्चर के अंदर कोई चेंज नहीं मिलता, अपडेटर मिल जाएगा पहले की तरह ही आपका। और नीचे फिर सिस्टम UI ट्यूनर जैसे कि देखने को मिलता था पहले, उसी तरीके से अभी भी ये आपको मिल जाता है। वैसे अगर आपको हाइड नोच करना होगा तो बिल्ड नंबर पे टैप करके अबाउट फोन के अंदर 7 टाइम उस पर टैप करना, डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे इनेबल होगा, उसके अंदर से आप हाइड नोच कर पाओगे पहले की तरह जैसे कि पहले बताया था। और डिस्टर्बिंग ये भी अच्छे से काम कर रहा है। गूगल डिस्कवर में कभी कभार हल्के फुल्के स्लाइड करने पर लैग आता है जैसे कि फर्स्ट टाइम में आया था, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा सही हो जाता है। और एनिमेशन तो वैसे आपका पहले जैसे रहेगा, हल्के फुल्के लैग जैसे कि पहले थे उसी तरीके से, हालांकि एडवांस रिबूट अभी भी हमें देखने को नहीं मिलता जो कि पिछले में रिमूव हुआ था, और लेकिन अभी यहाँ पे आपको डाटा यूज देखने को मिल जाता है जो कि इस अपडेट के अंदर ये ऐड किया गया है।
हालांकि टाइल्स के अंदर भी आपको कोई न्यू टाइल्स नहीं मिलेगी, सेपरेट मोबाइल डाटा वाईफाई का मिल जाता है पहले की तरह, लेकिन यहाँ पे कोई न्यू टाइल्स नहीं मिलती, सारी टाइल्स आपको पहले वाली देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स है वो भी आपको पहले वाली मिलती थी, इसके अंदर भी हमें कोई चेंज नहीं मिलता। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो लैग हो रहा था काफ़ी ज़्यादा पिछले अपडेट में, वो अभी भी देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है लैग काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, तो लैगिंग अभी भी हमें यहाँ पर मिल जाती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर में। और जो वॉल्यूम पैनल इसके अंदर मिलता वो भी आपका नॉर्मली रहेगा, एक्सपेंड नहीं होता अभी। और ऐप ओपनिंग के अंदर भी कुछ कुछ एप्लीकेशन पे हल्के फुल्के लैग मिलते हैं, जब भी हम स्वाइप अप करते उस टाइम पे या फिर ओपन करते टाइम भी थोड़ा बहुत मिलता है, काफ़ी कम सा ही देखने को मिलता है। तो आपका अभी भी पहले जैसा, हालांकि सेलेक्ट का ऑप्शन अब हमें मिलता है, पहले नहीं मिलता था, पहले सिर्फ स्क्रीनशॉट था। और ये स्प्लिट स्क्रीन वाला ये तो आपका काम करता था पहले से ही, पहले की तरह ही है, तो यहाँ से कुछ नहीं, बस सेलेक्ट का रीजन पे मिलता, बाकी साइड में क्लियर रोल पहले की तरह है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैमरे के बारे में, तो कैमरा आपको नॉर्मल ही मिलेगा जैसे कि पहले डिफ़ॉल्ट मिलता था, और जीकेएम भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। एफएम भी काम कर रहा है, हालांकि पिछले अपडेट में गूगल फोटो हमें प्रीइंस्टॉल नहीं मिलता था, अलग से करना पड़ता था, लेकिन अभी प्रीइंस्टॉल देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज भी देखने को हमें यहाँ पर मिल जाती थी, अब जो है आपको प्रीइंस्टॉल इसके अंदर मिल जाता है गूगल फोटो। एंड प्ले स्टोर पिछले अपडेट में ये भी जो है हमारा सर्टिफाइड नहीं था, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ये भी अब सर्टिफाइड मिल जाता है, यानी कि सेफ्टी नेट अब आपको बाय डिफॉल्ट पास मिल जाती जो कि पहले नहीं मिलती थी, तो ये भी आपका सेफ्टी नेट यहाँ पे अब पास मिलने वाला है बाय डिफॉल्ट में। तो यहाँ पे आप बैंकिंग ऐप आराम से यूज़ कर पाओगे। विजेट्स हालांकि आपके वही पहले की तरह मिलेंगे, साइफर विजेट्स भी एक मिल जाता है यहाँ पे, बाकी क्लॉक के भी मिल जाएंगे सभी, तो यहाँ पे लेटेस्ट ही हैं। अगर हम यहाँ पे चलते हैं कॉलिंग की तरफ, तो कॉलिंग में आपका वॉल्टी काम कर, और वीडियो कॉल पिछले में जैसे कि बताया था कैरियर वीडियो कॉल फिक्स है, जियो टू जियो आराम से कर पाओगे। ब्लूटूथ ऑडियो मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे काम करता है, और वाईफाई कॉलिंग भी काम करता है। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या है कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलेगा गूगल डायलर पे, लेकिन ये अलर्ट भी करने वाला, तो अलर्ट कर देता है जब भी आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे। वहीं अगर आप देखोगे एंटूटू स्कोर, तो एंटूटू स्कोर 2,84,000 मिला है, और पिछले में 3,37,000 तक देखने को मिला था। सीपीयू थ्रोटल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 91% इस बार हमें देखने को मिला, जबकि पिछले में 77% तक देखने को मिल रहा था। वहीं अगर हम चलते हैं गीगबेंच स्कोर की तरफ, तो इस बार सिंगल में 318 मिला है, मल्टी के अंदर 1064, पिछले में सिंगल था 349 और मल्टी के अंदर 1178 देखने को मिला था। तो ये कुछ यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। और अब चलते हैं गेम के अंदर, तो गेम की ग्राफिक तो ऐसे आपको सेम मिलेगी पहले वाली, यानी कि आपका स्मूथ पे एक्सट्रीम तक, बैलेंस पे अल्ट्रा, एचडी पे अल्ट्रा और एचडीआर पे अल्ट्रा तक देखने को मिल जाएगा। तो हम स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलेंगे जैसे कि हमेशा खेलते हैं। हाँ, परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस में उतना कुछ खास आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलने वाला, जैसे नॉर्मल परफॉर्मेंस पहले थी वही अभी भी देखने को परफॉर्मेंस मिल जाती, तो परफॉर्मेंस में इतना कुछ खास आपके फ़र्क देखने को नहीं मिलने वाला, परफॉर्मेंस आपकी पहले वाली ही रहने वाली है। और बैटरी बैकअप भी जैसे कि आप देखें 1% का फ़र्क था, जो कि आप समझ लो कि सिमिलर ही बैटरी बैकअप पिछले अपडेट जैसी रहेगी, उसके अंदर भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। मेन यहाँ पर जो UI है उसके अंदर भी कुछ खास फ़र्क आपको जैसे बताया कि लैग जैसा पहले था उसी तरीके हल्के फुल्के लैग अभी भी करते हैं। इन तीनों चीजों में आपको कोई भी फर्क उतना कुछ खास, यानी कि समझ लो कि फर्क नहीं पड़ा है। तो इसके अंदर जो मेन हमें चेंजेस देखने को मिले हैं वही है एक आपको, जो कि यहां पे यानी कि चेंज जो है वही देखने को मिल जाता है, बाकी तो परफॉर्मेंस बैटरी UI के मामले में सिमिलर ही रहने वाला है। तो यही सारी चीज़ें थी आज की इस वीडियो में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाता है। आज के बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।